इन दिनों मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेता और जनप्रतिनिधि सरकार की विकास योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए विकास यात्राएं निकाल रहे हैं, लेकिन कई जगहों पर जनता के द्वारा इन विकास यात्राओं का विरोध किया जा रहा है। ताज़ा तस्वीरें मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के लपकुश नगर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम हरिद्वार से सामने आई हैं। यहाँ जब भाजपा की विकास यात्रा भाजपा जिला महामंत्री अरविंद पटेरिया के नेतृत्व में ग्राम हरिद्वार पहुंची, तो सैकड़ों लोगों ने गांव में बिजली की समस्या को उठाते हुए यात्रा का विरोध शुरू कर दिया। कई स्कूली बच्चे यात्रा के बीच में ही नेताओं से सवाल जवाब करने लगे और गांव में ट्रांसफार्मर रखवाने की मांग करने लगे। स्कूली बच्चों ने कहा कि गाँव में बिजली की समुचित व्यवस्था न होने के कारण वे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। बच्चों का साथ देते हुए ग्रामीणों ने भी विकास यात्रा के वाहनों को रोक दिया और वे जाम लगाकर बैठ गए। जानकारी लगने के बाद आसपास के थानों का पुलिस बल मौके पर पहुंचा, ग्रामीणों को समझाइश दी गई और फिर ये विकास यात्रा आगे बढ़ी। इस दौरान ग्रामीणों ने भाजपा की सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। ग्रामीणों को समझाते हुए जिला महामंत्री अरविंद पटेरिया ने कहा कि जल्द ही ग्रामीणों की समस्याओं का निराकरण किया जाएगा।